नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रहेगा बारिश का हाल, कैसी रहेगी तापमान की चाल और कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना, तो सोमवार को गुजरात में भी कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। रविवार को पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है हवाओं की रफ्तार। तेलंगाना में बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से बचाएं, तो केरल में नारियल के बागों में दे उर्वरक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको बता देते हैं। कल असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान यहां पर तेज हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। रविवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों पर भी बिजली चमकने की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में, लेकिन बात अगर की जाए बारिश की, तो देश के किन किन हिस्सों में फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल और सोमवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं सोमवार को पंजाब में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं कल और सोमवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं। अगले दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। रविवार को असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कल अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। अगले दो दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश के आसार हैं। कल और सोमवार को ओडिशा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि अगले दो दिन बिहार और झारखंड में बारिश का अनुमान नहीं है। बात अगर मध्य भारत की करें, तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि सोमवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं कल और सोमवार को विदर्भ में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। कोंकण गोवा की अगर बात करें, तो रविवार को यहां इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें, तो अगले दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान बना हुआ है। कल और सोमवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। कल और सोमवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान बना हुआ है, जबकि अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं तापमान का हाल। जी हां, अगर बात की जाए अधिकतम तापमान की, अधिकतम तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई देश के अलग अलग हिस्सों में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करें, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई।
वहीं पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं असम और मेघालय में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही तेलंगाना में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इसके अलावा दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान विदर्भ के अकोला में दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान रहा 41.8 डिग्री सेल्सियस। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का जगहों पर तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। वहीं बिहार और ओडिशा में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उरई में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 14 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने बारिश और तापमान का हाल, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में कहां पर बारिश की संभावना है, कहां मौसम साफ बना रहेगा, और सीधे तौर पर मौसम को अगर देखा जाए तो हमारी फसलों को ये प्रभावित करता है। बात करें दक्षिण भारत में तो यहां के जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर किसानों को कौन कौन सी सावधानी अपनानी होगी ऐसे मौसम में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के किसान धान के खेतों में निगरानी रखें। इसके अलावा थ्रिप्स का प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तेलंगाना में बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की आशंका है, कीट नियंत्रित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। साथ ही जिन हिस्सों में प्रकोप ज्यादा हो वहाँ के किसान प्रोफेनोफॉस दवा के घोल का छिड़काव करें। वहीं चूसक कीटों की रोकथाम के लिए डाइमेथॉइड की 2 मिलीलीटर या एस्फेट की 1.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। साथ ही मिर्च की फसल में भी थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाएं। तमिलनाडु के जिन इलाकों में गन्ना बोए 5 माह से ज्यादा हो चुके हैं वहां के किसान फसल को दोपहर की हवा से बचाने के लिए सहारा दें। यहां प्याज मक्खी के प्रकोप के लिए मौसम अनुकूल है, रोकथाम के लिए मेलाथियन का छिड़काव करें।
केरल की बात करें तो यहाँ के किसान नारियल के बागों में उर्वरक दे सकते हैं, साथ ही एक सप्ताह में एक बार सिंचाई करें। केरल में काली मिर्च के बागों में छाया वाले पेड़ों की हल्की छटाई कर लताओं को धूप लगने दें। कर्नाटक में भी गन्ने की सिंचाई करें। बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से बचाने के उचित उपाय करें, साथ ही आम के बागों को मिलीबग से भी बचाएं। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं आज की फसल लौकी के बारे में। जी हाँ, अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं, जिसे घिया नाम से भी हम जानते हैं, आपको इस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे अच्छी उपज आप ले सकें, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात की फसल के लिए दोनों समय में बोया जा सकता है। बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए एक हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो लें। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करे तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर पांचवे दिन फसल में सिंचाई करे। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए दो बार निराई गुड़ाई करे। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की है, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और NCR के लिए है। एक हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई लौकी यानी घी की। अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा खेती किसानी में। राजस्थान के किसान कपास की बुआई का काम कर लें। पश्चिमी विदर्भ में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई किसान जारी रखें। पश्चिमी विदर्भ के किसान करेला, लौकी, टिंडा और धनिया की खेती कर सकते हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में तैयार गेहूं की फसल की कटाई जारी रखें। काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोंकण के किसान तैयार धान की कटाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में गेहूं, चना और सरसों की कटाई किसान जारी रखें। मध्य प्रदेश में भी किसान गेहूं, चना और सरसों की कटाई जारी रखें। तो जाना आपने कौन कौन सी ऐसी सावधानी है जो आपको अपनानी होगी। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल।
कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। अलग अलग देश के हिस्सों की अगर खास तौर से हम बात करें, मध्य प्रदेश में काटी गई फसल को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य प्रदेश के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई करें। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई किसान जारी रखें। मध्य प्रदेश में ही हल्दी और अदरक की किसान खुदाई कर लें। मध्य प्रदेश में बैंगन और टमाटर की रोपाई किसान जारी रखें। झारखंड में ग्रीष्मकालीन मक्का की बुआई किसान करते रहें। झारखंड के किसान तैयार गेहूं और चने की कटाई जारी रखें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जूट के लिए खेतों को तैयार कर लें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।